हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक बच यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो की टॉपिक है हाउ टू चेंज वॉलपेपर ऑटोमेटिकली ऑन एंड्रॉयड मोबाइल। एंड्रॉयड मोबाइल में ऑटोमेटिकली वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर जो ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक की मदद से आप सभी लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में वॉलपेपर को ऑटोमेटिकली चेंज करवा सकते हैं। सो आज की जो ट्रिक है काफ़ी कमाल का होने वाला है, तो इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की ट्रिक्स एंड ट्रिक रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो गाइस, इस ट्रिक के लिए आप सभी को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपके सामने बहुत सारे वॉलपेपर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वॉलपेपर्स हैं सारे हाई क्वालिटी वॉलपेपर्स हैं। तो यहाँ पे आपको राइट की तरफ ये बटन दिख रहा है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे उन सारे वॉलपेपर्स को देख सकते हैं जो काफ़ी पॉपुलर वॉलपेपर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को कुछ वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जो वॉलपेपर्स आपको पसंद है उन सारे वॉलपेपर्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के लिए आप सभी को यहाँ पे जो वॉलपेपर्स पसंद है उस वॉलपेपर के ऊपर आप सभी को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और देन यहाँ से आपको जो है क्वालिटी चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं 4K कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से जो कुछ वॉलपेपर्स को आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने कुछ वॉलपेपर्स पहले से डाउनलोड करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को 3 लाइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो वॉलपेपर चेंजर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को पहले टाइम सेट कर लेना है, मतलब कितने मिनट या फिर कितने घंटे के बाद जो है आपका वॉलपेपर्स चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं मिनिमम जो है 1 मिनट है, तो यहाँ पे मैं 1 मिनट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डबल टैप टू चेंज वॉलपेपर, मतलब यहाँ पे अगर आप अपने होम स्क्रीन के ऊपर अगर आप टैप करते हैं 2 बार अपने फिंगर से, तो वहाँ पर आप सभी का वॉलपेपर जो है चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी जो है यूज़फुल है, तो इसको भी आप इनेबल करके रखें। उसके बाद आप सभी को बैक जाना है और बैक जाने के बाद यहाँ पे आप सभी को ऑटो वॉलपेपर चेंजर पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आप सभी को अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आपका जो है वॉलपेपर यहाँ पे सेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका ब्लैक शो होता है तो देन यहाँ पे आपको अपने फिंगर से 2 बार अपने होम स्क्रीन के ऊपर टैप करना है। और जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप सभी का वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, मैं अपने फिंगर से टैप कर रहा हूँ और यहाँ पे वॉलपेपर जो है चेंज हो रहा है। बस आपको अपने फिंगर से 2 बार टैप करना है और आपका वॉलपेपर जो है चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे 1 मिनट के बाद जो है यहाँ पे वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। तो ये काफ़ी कूल है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये एप्लीकेशन आप सभी को कैसा लगा और क्या मैं लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है इस तरह के वॉलपेपर का वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।